डियर फ्रेंड्स नमस्कार, आपका ये 7 बजे वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रही हो, हमने वादा किया था आपसे कि हम एसटीसी और पीटेट जो है प्री बीएड उसके लिए इंग्लिश का पूरा एमसीक्यू बैच आपके लिए फ्री कराएंगे। तो हम अपने वादे को पूरा करते हुए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आप एक बात ध्यान रखना, आपके जो एसटीसी वाले बच्चे हैं उनके 60 मार्क्स की इंग्लिश है, और आपको कुछ भी नहीं करना। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ और जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन क्वेश्चंस से और इन कॉन्सेप्ट्स से बाहर आपको एग्जाम में नहीं जाएगा, आपके 60 मार्क्स पक्के हैं। आप पहली बात तो ये करिए, जो भी एसटीसी वाले बच्चे हैं उनको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी 60 मार्क्स पक्के हो सकें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ, बच्चों के लिए हमने जो एक मुहिम चालू की, बच्चे भी उस मुहिम में बराबर के हकदार हैं, बराबर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक्स हैं आपके जो प्री एसटीसी में, यही टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, सेकंड ग्रेड में भी हैं, थर्ड ग्रेड में भी हैं, एसएससी में भी हैं, सारे एग्ज़ाम्स में, तो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो एसटीसी के जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से एमसीक्यू करा रहे हैं हम, ओके। और ये जो एमसीक्यूज हैं, जब तक हम इन एमसीक्यूज को करते हैं, आपको हमने पहले ग्रामर वाले सेक्शन में टॉपिक करा दिए, ग्रामेटिकल हायरार्की वाला टॉपिक करा दिया, इसके अलावा नाउन करा दिया, इसके अलावा हमने क्या करा दिया, कॉनकॉर्ड करा दिया, और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको क्या है करा चुके हैं। तो आप लोग क्या करें, तो देखिए आपको पहले समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा पहली बात तो आप देख लें, फ्री बीएसटीसी पीटेट के लिए क्लासेस हैं, फ्री हैं। किसके लिए? बीएसटीसी के लिए और पीटेट के लिए, ओके। और ये टारगेट 2023, और इसमें जो आपको करने जाएंगे हम वो ये है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर टॉपिक को लेकर उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने जो ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं आपको करा दिए हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो आपको ग्रामेटिकल हायरार्की वाला टॉपिक करा दिया मैंने, और ग्रामेटिकल हायरार्की वाला जो टॉपिक है उसमें आपकी ऑलमोस्ट 8 या 9 क्लासेस हैं, आप उनको देखें। सेकंड जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसके बाद बताया बेसिक ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी आपके लिए जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो नॉलेज दी थी उसकी आपके यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, आप आराम से देखिए उनको और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया नाउन, और नाउन की आपकी 20 क्लासेस हैं, 20, और उससे बाहर नाउन में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, जो कुछ भी बचा है वो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक लिया है वो कॉनकॉर्ड का है, और कॉनकॉर्ड की आपकी 13 क्लासेस हैं, और अभी कल ही इसका टेस्ट भी हुआ है। तो आपको देखिए ये क्लासेस जो हैं आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर फ्री में हैं, आप आराम से देखिए उनको। 8 क्लासेस ग्रामेटिकल हायरार्की है, 3 क्लासेस बेसिक और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं, उसके बाद 20 क्लासेस नाउन की हैं, और 13 क्लासेस कॉनकॉर्ड की हैं। आप इन क्लासेस को देखें और आप देखना इनसे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये जो टॉपिक पढ़ा दिए मैंने, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और ये प्री एस जो बीएसटीसी का कोर्स है आपका, ये सेशन ही जो है आप इसको देख लें डेली, और आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपका पूरा 60 नंबर पक्के। दूसरी बात एक चीज़ समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यदि हम इसका देखें, आपका जो प्री बीएसटीसी का जो यदि हम सिलेबस देखें, ओके, तो देखिए इसमें कुछ टॉपिक हैं। आप देखिए पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके अंदर क्या आता है आपको, एक पैसेज आता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है आपको, एक पैसेज आता है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पॉटिंग एरर। देखो ये दो टॉपिक हैं, एक है स्पॉटिंग एरर और एक करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये जो स्पॉटिंग एरर्स है और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है ये तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज है। तो वो मैं आपको उसके बारे में बेसिक्स बता दूंगा और उसकी बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा, जिससे ये दोनों टॉपिक जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फाइन। एक है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस और स्पॉटिंग एरर, इसका मतलब आपको गलती ढूंढनी है या फिर सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में ये जो है आता है।
इसके बाद नरेशन, नरेशन जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके दोनों ही एग्जाम में भी है, एसटीसी और पीटेट में भी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सब में, एसएससी सब एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक है नरेशन। प्रेपोजिशन इसी तरीके से ये टॉपिक आपकी सारी एग्जाम्स में, केवल प्री एसटीसी में ही नहीं है, केवल बीएसटीसी वाली एग्जाम में ही नहीं है, सब में। इसके बाद आर्टिकल है, कनेक्टिव्स हैं, ये देखो काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है इसके लिए मैंने आपको क्लासेस दी हुई हैं, ग्रामेटिकल हायरार्की है उस टॉपिक में, देखना आप काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि एसटीसी का कोई भी कितना भी लास्ट ईयर के कितने भी पेपर उठा लो, एक भी क्वेश्चन उनमें से बाहर नहीं है। आप ग्रामेटिकल हायरार्की में जो सेंटेंसेस के काइंड पढ़ा रखे हैं मैंने, उनमें जाना और आप देखना कि ये जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, और आप लास्ट ईयर के जितने भी 8 10 12 15 साल के पेपर देख लेना, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर ही नहीं है। अभी इसमें भी कराऊंगा आपको। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, इसके लिए भी आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जब भी आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। टेंस, टेंस ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं होता है टॉपिक। इसके अलावा ये वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आपको पता है सारी एग्जाम में होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ये सारे एग्जाम्स में होते हैं टॉपिक। तो हम इनको एमसीक्यूज़ के जरिए प्रैक्टिस सेशन करेंगे और एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन नहीं है वो, एक एक क्वेश्चन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन में आपको वो टॉपिक ही क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा, आप देख लेना। और आप जब देखोगे तो आपको रियलिटी में ऐसा लगेगा कि हाँ, यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ऐसे ही होना चाहिए, जब तक उसकी जड़ों तक नहीं पहुँच जाएँ। चाहे इस क्वेश्चन को वो कोई प्री एस टी सी वाला कर रहा हो, बी एस टी सी वाला कर रहा हो, चाहे वो आई ए एस वाला कर रहा हो, सबके लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। फाइन, तो आप देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में हो सकती हैं और एक क्वेश्चन कैसे अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है। देखिए हम देखते हैं आगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कनेक्टिव्स। देखो आपके सिलेबस में कनेक्टिव टॉपिक है, ओके? तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कनेक्टिव फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है इनमें से जो करेक्ट कनेक्टिव कौन सा है, कनेक्टिव मतलब था जोड़ने वाला शब्द, आपको एक सही जोड़ने वाला शब्द चुनना है, ठीक है? और उसको चुनकर आपको इस ब्लैंक में लिखना है। Scarcely had he gone, फिर ब्लैंक है, a policeman knocked at the door. Scarcely, मुश्किल से ही, Scarcely का मतलब होता है मुश्किल से ही, Scarcely का मतलब क्या होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, had he gone, मुश्किल से ही वो गया ही था, ठीक है ना? इतने में ही क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने क्या किया, दरवाजा खटखटा दिया, ठीक है? ये तो आपका, अब आपको इसमें बिफोर आएगा, देन आएगा, वेन आएगा या देन आएगा, इन दोनों की देन की स्पेलिंग में अंतर है, ध्यान रखना। और ये कई बार इसी तरीके की गलती पूछी जाती है, बच्चे क्या करते हैं, रटा हुआ होता है नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, तो उनको ये होश नहीं रहता देन की स्पेलिंग टी एच ए एन करनी है या टी एच ई एन करनी है। सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसके बाद इससे रिलेटेड और इसके आसपास की पूरी दुनियादारी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है इसमें। देखो इस क्वेश्चन को समझने से आपकी क्या क्या चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या समाया हुआ है आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में टेंस का टॉपिक समाया हुआ है। आपको आश्चर्य होगा किस तरीके से एक क्वेश्चन कितने सारे टॉपिक्स को लिए हुआ होता है। इस क्वेश्चन में आपका टेंस समाया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपका कनेक्टिव समाया हुआ है, जो कनेक्टिव्स टॉपिक है वो समाया हुआ है। अब कनेक्टिव्स को कई जगह, कई कई सिलेबस में आप देखना कनेक्टिव्स का नाम दिया होगा कंजंक्शन, कनेक्टिव का ही नाम क्या दिया होगा कंजंक्शन, जोड़ने वाले शब्द। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? इसी सेंटेंस में आपको स्पॉटिंग एरर भी मिलेगा, स्पॉटिंग एरर गलती ढूंढना, ठीक है? इसी सेंटेंस में आपको स्पॉटिंग एरर मिल रहा है, इसी सेंटेंस में आपको टेंस मिल रहा है, और इसी सेंटेंस में आपको कनेक्टिव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तीन टॉपिक इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। अब कैसे क्लियर होते हैं, कैसे इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझनी है आप। देखिए
बहुत अच्छी तरह से आप समझिए, इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इन चीज़ों की। मैं आपको इस तरीके से पूरी चीज़ें ऐसे खोल दूंगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी दिक्कत, कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। देखो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, देखो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे HARDLY हार्डली, इसका मतलब भी मुश्किल से होता है। एक होता है स्केयर्सली, SCARCELY स्केयर्सली, ओके। एक होता है बेयरली, BARELY बेयरली, ठीक है। और एक होता है नो सूनर, नो सूनर। पहली बात तो आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, और अच्छी तरह से समझ ले, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या, कि हार्डली जो है उसके बाद क्या आ सकता है। हार्डली के बाद दो शब्द आ सकते हैं, ध्यान रखना। हार्डली के बाद या तो वैन आएगा या फिर बिफोर आएगा, BEFORE, या तो वैन आएगा या बिफोर आएगा, ठीक है। हार्डली के बाद क्या आएगा, वैन या बिफोर, पहली बात। दूसरी बात स्केयर्सली, स्केयर्सली के बाद केवल वैन आ सकता है, ठीक है। तीसरी बात ये जो बेयरली है इसके बाद भी केवल वैन आ सकता है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है जिस पर कई बार गलती हो जाती है, नो सूनर के बाद देन आता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये देन है, और ये लिख लेना आपको, ऐसी गलती THEN नहीं करना है आपको। कौन सा देन आएगा, THEN। कई बार एग्जाम में क्या होता है, नो सूनर फिर देन दे देते हैं THEN और लास्ट में दे देते हैं नो एरर, तो आपके दिमाग में रटा होता है नो सूनर देन, नो सूनर देन, ये नहीं देख पाते कि देन की स्पेलिंग THEN वाला है, THEN वाला नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि हार्डली के बाद वैन या बिफोर आता है, स्केयर्सली के बाद वैन आता है, बेयरली के बाद वैन आता है, और नो सूनर के बाद THEN वाला देन आता है। ये बात समझ में आ गई, ये पहली कड़ी है इसमें, केवल ये क्या है, पहली कड़ी है। अब दूसरी बात देखिए, अब हम दूसरी बात देखते हैं इसमें। दूसरी बात ये है कि आपके ये जो सारे के सारे हार्डली, स्केयर्सली, नो सूनर देन और बेयरली का प्रयोग क्यों होता है और कब प्रयोग होता है, अब आ गई टेंस की बात। ये तो क्या थी, कनेक्टिव की बात, क्या कि हार्डली के बाद वैन या बिफोर आएगा, स्केयर्सली के बाद वैन आएगा, बेयरली के बाद वैन आएगा, और नो सूनर के बाद देन आएगा, और देन की स्पेलिंग THEN होगी, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, जो आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि भाई इनका प्रयोग कब और क्यों होता है, वो देखिए मैं बता देता हूं। पहला हार्डली, HARDLY हार्डली, अब मैं यहीं लिख देता हूं वैन या बिफोर, हार्डली के बाद क्या यूज होगा, वैन या बिफोर। सेकंड है स्केयर्सली, SCARCELY स्केयर्सली के बाद होता है वैन। तीसरा है बेयरली, और बेयरली के बाद यूज होता है वैन। और चौथा है नो सूनर, और नो सूनर के बाद यूज होता है THEN देन। देखिए इन सब का यूज जब होता है जब पास्ट में कोई दो घटनाएं घटित हों और एक के जस्ट बाद दूसरी घटना घटित हो। देखो क्या करना है आपको, पास्ट में, पास्ट में क्या होना है, टू इवेंट्स, पास्ट में दो घटनाएं, ठीक है। PST पास्ट यानी भूतकाल में, इवेंट्स मतलब घटनाएं, भूतकाल में दो घटनाएं घटित हों, टू इवेंट्स क्या हो, घटित हो, घटित हो को इंग्लिश में बोलते हैं हैपन्ड, ओके। तो टू इवेंट्स क्या हो, हैपन्ड, HAPPENED, पास्ट में दो घटनाएं घटित हों, और कैसे घटित हो, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो कैसे घटित हो, वन आफ्टर अनदर, ये तीन, ये दो बातें ध्यान रखनी है। कब प्रयोग होता है इनका, इन सब का प्रयोग क्या होता है, जब पास्ट में दो घटनाएं घटित होती हैं, पास्ट और टू इवेंट्स, पास्ट में दो घटनाएं हैपन घटित हुई, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दो घटनाएं घटित हों, दोनों घटनाएं जो हैं लगभग ऐसा हो कि एक घटना खत्म नहीं हुई हो, एक एक्शन खत्म हुआ ही नहीं हो और उसी वक्त दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, या फिर एक एक्शन खत्म हुआ ही है इमीडिएट बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए पास्ट में, तब इनका प्रयोग होता है। पहली बात देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं कहूं नो सूनर द
अच्छा मैं आपको सही करके बताता हूँ, ठीक है ना। नो सूनर हैड द बेल रंग देन द टीचर देन द टीचर एंटर्ड द क्लास एंटर्ड द क्लास। ओके देखिए, नो सूनर हैड द बेल रंग देन द टीचर एंटर्ड द क्लास। घंटी बजी ही थी, ठीक है ना, जैसे ही टीचर का क्लास में प्रवेश हो गया। मतलब आपने देखा होगा जैसे घंटी बजी टन 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 टन, जैसे ही घंटी बज के खत्म ही हुई हो इमीडिएट बाद ही टीचर आ गया। पास्ट में दो घटनाएं घटित हुई, ये घंटी बजी और टीचर की एंट्री, तो इमीडिएट बाद दोनों घटनाएं, पास्ट में दो घटनाएं घटित हुई और घटित होने में क्या है, एक घटना लगभग पूरी हुई थी इतने में ही दूसरी घटना घटित हो, घंटी बजी ही थी इतने में आपके सामने टीचर प्रकट हो गया। बड़ा दुख हुआ कि यार थोड़ा दो मिनट पाँच मिनट लेट आता तो हम आनंद ले लेते, नहीं, घंटी बजी ही जैसे ही टीचर का प्रवेश हो गया। तो इस तरीके की यदि पास्ट में दो घटनाएं घटित हों एक के बाद एक, तो उनके लिए इन सब का प्रयोग होता है। ये तो हो गया प्रयोग। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो किसकी बात है, टेंस की बात है, वो आपको समझनी है। देखो आप ये देखिए, हार्डली स्केयर्सली बियरली और नो सूनर, ये सारे के सारे शब्द जो है ये नकारात्मक अर्थ देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। मुश्किल से ही, कभी कभी, ठीक है, हार्डली मुश्किल से, स्पेयर्सली मुश्किल से, नो सूनर, नो में तो आपको नो ही लग रहा है तो वैसे ही पता लग गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जो आपको गलतियां पूछी एग्जाम में दी जाती हैं उनका ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि यदि ये सारे के सारे वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आए, ये सारे के सारे शब्द सेंटेंस के शुरुआत में आए, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव की होती है। यदि ये सेंटेंस की शुरुआत में आए तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की होती है, यानी प्रश्नवाचक जो है संरचना होगी। प्रश्नवाचक संरचना का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आप पहले वर्ब लगाओगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। जैसे आप क्या करोगे, पहले तो वर्ब लगाओगे और उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। जैसे मैंने कहा नो सूनर, ये नो सूनर आया तो देखो द बेल घंटी, घंटी सब्जेक्ट है, घंटी क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या लगा दिया है, हेड लगाया है, हेड को क्या कर दिया है, पहले लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे वर्ड जिन्हें क्या टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, नेगेटिव एडवर्ब, यदि नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आए तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की होती है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संरचना होती है। प्रश्नवाचक मतलब पहले वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो नो सूनर से इसीलिए पहले मैंने क्या लगा दिया, हेड द बेल रंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हेड लग गया और ये आर यू एन जी रंग, क्योंकि आपको पता है आर आई एन जी रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, आर ए एन जी रैंग सेकेंड फॉर्म होती है, और आर यू एन जी रंग ये क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करते हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो, क्या करते हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो आपने हेड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, लेकिन आपको जो है नो सूनर पहले आया तो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी लग करनी पड़ी, आपको इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ा। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब आपको जो ध्यान रखना है, मैं फिर बता देता हूं आपको, हार्डली स्केयर्सली बियरली नो सूनर के बाद वैन, इसके बाद वैन बिफोर, इसके असली के बाद वैन, वेयरली के बाद वैन, नो सूनर के बाद देन, यदि ये सेंटेंस की शुरुआत में आए तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की होगी, ठीक है। अब देखो आप, अब देखिए, देखिए मैंने कहा हार्डली हैड ही स्टार्टेड His hardly had he started his breakfast. Hardly had he started his breakfast. फिर उसके बाद देखिए, when someone knocked the door. देखो अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, ये तो मैंने आपको सही सेंटेंस बताया, एग्जाम में कैसे आएगा, देखो एग्जाम में आपको ऐसे आ जाएगा, एच ए आर डी एल वाई, हार्डली ही हैड
started 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 his breakfast 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 when someone knocked the door. देखिए आपको एग्जाम में ऐसे आएगा hardly he had started his breakfast then someone knocked the door. तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, hardly यदि sentence की शुरुआत में है तो sentence की structure कैसी होगी, interrogative की होगी. interrogative की का मतलब ये जो verb है ये पहले आएगी, तो ये क्या आना चाहिए था, पहले. इसमें हमने सही किया है, ठीक है. दूसरा, उसके बाद hardly के साथ आपके पास choice है, when भी लगा सकती हो और before भी लगा सकती हो. तो मैंने when लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. hardly वाले structure में इसमें तो मैंने past perfect का प्रयोग किया है और इसमें किसका प्रयोग किया है, past simple का. मैंने कहा hardly had started his breakfast, उसने अपना breakfast start ही किया था, इतने में ही किसी ने एक काम हुआ ही था, जितने में ही क्या हुआ, उसने अपना breakfast शुरू किया ही था मुश्किल से, इतने में ही किसी ने क्या कर दिया, दरवाज़ा खटखटा दिया. तो मैंने कहा past की दो घटनाएं हैं, दो इवेंट एक साथ घटित हो रही हैं, एक के बाद एक घटित हो रही हैं, उनके लिए hardly इसके असली when और before का प्रयोग किया जाता है, ठीक है. तो आपको पहली बात पता लगी कि hardly, scarcely, barely, no sooner जो है यदि ये सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की हो जाती है, ठीक है. लेकिन लास्ट में लगेगा क्या, फुल स्टॉप ही लगेगा. लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा. आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है. अब देखिए, अब हम हमारे सेंटेंस के ऊपर जाते हैं और अब देखते हैं हमें सेंटेंस में सही कर पाते हैं कि नहीं. देखिए, अब हम बैक जाते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ. सेंटेंस है, स्केयर्सली. अब देखो स्केयर्सली लगाया, अब आप देखो मैंने ही लगाया और ही से पहले हेड लगाया, यानी क्या किया मैंने, जैसे ही ये स्केयर्सली आया तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी कर दी, मैंने इंट्रोगेटिव की कर दी. करना जरूरी था, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता. तो स्केयर्सली हैड ही गॉन, वो मुश्किल से ही गया था. अब स्केयर्सली के साथ मैंने आपको बताया था कि स्केयर्सली के साथ तो केवल वैन का प्रयोग हो सकता है. किसका प्रयोग हो सकता है, देखो ना तो बिफोर का प्रयोग हो सकता है, ना इस देन का प्रयोग हो सकता है, इस वैन का प्रयोग हो सकता है और इस देन का भी प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है. इस देन का प्रयोग तो किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ. अभी हमने पढ़ा इस देन का प्रयोग किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ. बिफोर का प्रयोग किसके साथ होता है, हार्डली के साथ. और वैन का प्रयोग किसके साथ होता है, हार्डली के साथ भी होता है, स्केयर्सली के साथ भी होता है और बेयरली के साथ भी होता है, ठीक है. तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है. तो देखो एक क्वेश्चन पहला तो आपने इसमें क्या हुआ, कनेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझा कि इनके बाद ये आता है. दूसरा आपने कॉन्सेप्ट समझा टेंस का. टेंस का कैसे कॉन्सेप्ट समझा, कि यदि ऐसा है तो स्ट्रक्चर किसकी होगी, इंट्रोगेटिव की होगी. दूसरी आपने टेंस का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा, कि ऐसा यूज कब होता है, जब पास्ट में दो घटनाएं घटित होती हैं. दूसरा आपने क्या पढ़ा टेंस में, कि एक में तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा और दूसरे में क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, और फिर यही क्वेश्चन जो है किसके लिए भी यूज होता है, स्पॉटिंग एरर के लिए भी होता है. ये क्वेश्चन किसके लिए यूज होता है, स्पॉटिंग एरर में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको. सेंटेंस कंप्लीशन में भी इसी तरीके का सेंटेंस आपको पूछा जाता है, ठीक है. फिर देखिए आगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया जो स्पॉटिंग एरर, मैंने आपको बताया था यदि ये शब्द आपके सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इंट्रोगेटिव की से जाती है. सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इंट्रोगेटिव की. इसी के साथ एक चीज और आप ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था नेगेटिव एडवर्ब्स हैं. इसी तरीके से एक एडवर्ब और नाम होता है जिसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब. ये स्पॉटिंग एरर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. स्पॉटिंग एरर जो है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. नेगेटिव एडवर्ब के साथ साथ एक रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब भी होता है. तो ये शब्द देखना, R E S T R I C T I V E, रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब. रिस्ट्रिक्टिव का मतलब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, प्रतिबंधित कर दिया. जैसे मैंने मान लो आपसे कहूं ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे आई केम टू नो about
इट, दूसरा मैं आपसे कहूं ओनली इन दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मैं कहूं इन नो अदर वे दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। देखिए मैं आपसे कहूं, मान लो मैं आपसे कहा रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब, ठीक है। यदि मैंने आपसे कहा रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब का मतलब है आप जो है क्या कर रहे हो, किसी चीज को प्रतिबंधित कर दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को क्या करते हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, प्रतिबिंबित प्रति आपके मतलब यही केवल यही ऐसा हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने। जैसे मैं आपसे कहूं केवल कल ही, अभी नहीं, परसों नहीं, एक साल पहले नहीं, मैं कह रहा हूं कभी कब, कल ही की बात कर रहा हूं कि केवल कल ही आई केम टू नो अबाउट इट, मुझे कल ही पता लगा मैंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, कल ही, परसों नहीं, अभी नहीं, एक मिनट पहले नहीं। मैंने कहा केवल इस तरीके से, ओनली इन दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, केवल इसी तरीके से इस परेशानी का हल हो सकता है। मैंने आपसे कहा इन नो अदर वे, कोई और तरीके से, ठीक है ना, दिस इन नो अदर वे, किसी और तरीके से नहीं, दिस कैन बी एक्सप्लेन, इसे समझाया जा सकता है। तो देखो ये जो ओनली यस्टरडे, ओनली इन दिस वे, इन नो अदर वे, इस इन शब्दों से आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि केवल इसी तरीके से, कोई और तरीके से नहीं, केवल कल ही। तो देखो यदि ये शब्द आपके सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएं तो भी आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की होगी, मतलब वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, जिस तरीके से नेगेटिव एडवर्ब में होता, जैसे आप स्केयर्सली, बियरली, हार्डली और नो सूनर में करते हो, वैसा ही इसमें करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे सेंटेंस आपके गलत हो गए, क्यों, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पहले लगा दिया और वर्ब बाद में लगा दी। तो ये कैसा है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस है तो हमें क्या करना है, हमें करना है डिड, फिर करना है आई और फिर करना है कम, क्या करना है, डिड आई कम। तो इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर हो गई। मैंने कहा ओनली इन दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, तो इसको क्या करना है, इस कैन को आगे लाना है, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, इस कैन को आगे लाना है, हमें करना है ओनली इन दिस वे कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तब ये सही होगा। इसी तरीके से मैंने कहा इन नो अदर वे, फिर दोबारा हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट यूज़ किया फिर वर्ब यूज़ किया, तो हमें ये भी गलती है, हमें क्या करना है, कैन को यहाँ लाना है। तो ये स्पॉटिंग एरर में आपको जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव एडवर्ब और रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब। इफ़ यू हैव नेगेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस विल बी ऑफ इंट्रोगेटिव, दो योर सेंटेंस विल बी डेक्लेरेटिव। देखो मैंने कहा यदि आपके नेगेटिव एडवर्ब और रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव की ही होगी, लेकिन सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं होगा, सेंटेंस डेक्लेरेटिव ही रहेगा और लास्ट में आपने फुल स्टॉप ही लगाना है, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन पे आपने देखा कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कैसे 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे उस पर एक एक क्वेश्चन पर 3-3, 4-4 ग्रामर के टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स जो है एप्लीकेबल होते हैं। आप जो प्री बीएससीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि उनको ये सेशन अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, उनको लगता है उससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि ये जो मेरी निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं और एसटीसी के लिए 60 नंबर की जिम्मेदारी जो मैंने ले ली है उसमें आप अपना सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।